नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे ट्रेड थ्योरीज के बारे में। सबसे जो प्राइमरी थ्योरी है, मेन शुरुआती थ्योरी है, वो है वणिकवाद या मर्केंटलिज्म, जिसको हम व्यापारवाद भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्या परिभाषा है वणिकवाद की। तो वणिकवाद एक आर्थिक सिद्धांत है जहाँ सरकार घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था और व्यापार को विनियमित करने का प्रयास करती है, अक्सर किस पर, अन्य देशों की कीमत पर। तो इसमें यह होता है कि दूसरे देशों को नुकसान पहुंचा के अपने देश की अर्थव्यवस्था को और उद्योगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है व्यापार और आर्थिक नीतियों के माध्यम से। तो वणिकवाद उन नीतियों से जुड़ा है जो आयात को प्रतिबंधित करते हैं और सोने के भंडारों में वृद्धि करते हैं और घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हैं, यानी कि निर्यात को बढ़ाना है, आयात को कम से कम करना है, ताकि हमारे पास जो सरप्लस एक्सपोर्ट होगा उसके बदले में हमें सोना आयात होगा, सोना मिलेगा। वणिकवाद मुक्त व्यापार के सिद्धांत के विपरीत है, जो तर्क और जो मुक्त व्यापार का सिद्धांत है उसके विपरीत होता है। और मुक्त व्यापार का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो फ्री होना चाहिए, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब फ्री होगा तो दोनों देशों के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो ये उसमें बातें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वणिकवाद है या मर्केंटलिज्म के महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वो क्या क्या हैं। पहला है आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं, इसमें टैरिफ लगा देते हैं, इंपोर्ट पर जो है कर लगता है उसको टैरिफ कहते हैं, या उसका कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि कितनी मात्रा आप दे सकते हैं। इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए दिए जाते हैं या गैर टैरिफ बाधाएं लगाई दी जाती है। तो उसमें चेकिंग हो सकता है माल की और उसमें अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो आयात पर प्रतिबंध हो गया। दूसरा है विदेशी मुद्रा भंडार, सोने चांदी के भंडार का संचय, जिसे बुलियनवाद कहा जाता था। 16वीं-17वीं शताब्दी में माना जाता था कि सोने के भंडार अन्य देशों की कीमत पर का संचय किसी देश की समृद्धि को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारे पास सोना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और विशेष रूप से व्यापार और शिपिंग के साथ जुड़ी फर्म को राज्य के एकाधिकार प्रदान करना, तो मोनोपोली प्रदान कर जाता है कंपनियों को सरकार की तरफ से कि तुम ही इस काम में ट्रेडिंग करोगे, जैसे कि ईस्ट इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा लाभ लेने के लिए निर्यात उद्योगों को सब्सिडी दी जाती है, तो सरकार की तरफ से जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज है उनको विशेष रियायतें दी जाती है, बहुत सारे उसमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि वो कम से कम प्रोडक्ट कॉस्ट पर जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने कर सकें। इसके अलावा घरेलू उद्योगों की दक्षता और क्षमता को अधिकतम करने के लिए अनुसंधान विकास में सरकारी निवेश किया जाता है, तो R&D में गवर्नमेंट निवेश करती है ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो और उनका उपयोग करते हुए एक्सपोर्ट सस्ते से सस्ते हम बना के दें और दूसरे देशों से कम कीमत पर बेच सकें। विदेशी कंपनियों से कॉपीराइट और बौद्धिक चोरी की अनुमति, तो ये भी है कि भाई दूसरे देशों के जो बौद्धिक ज्ञान है उसको चोरी करो और अपने यहाँ पे उसका कॉपी बना करके बेचो। व्यापारी वर्ग को अधिक से अधिक मुनाफा देने के लिए मजदूर वर्गों की और मजदूरी और खपत को सीमित करना, यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को कम से कम रखना। उपनिवेशों का नियंत्रण, जैसे कि साम्राज्यवादी देशों से उपनिवेश खरीदना और उपनिवेशों के धन संपदा का नियंत्रण लेना, तो ये भी अलाउ होता है उसमें कि दूसरे देश जो बना रहे हैं उपनिवेश बना रहे हैं उनसे उपनिवेश खरीदो और उनकी आर्थिक संपदाओं को अपने कंट्रोल में ले लो ताकि हमारा देश अमीर बना रहे। इसके एग्जाम्पल कुछ हमारे पास ऐतिहासिक एग्जाम्पल है, वो है 1651 का इंग्लैंड नेविगेशन अधिनियम है, उसने विदेशी जहाज़ों को तटीय व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबंधित कर दिया था कि भाई हमारे देश में आप अपना सामान दूसरे देश वाले लोग नहीं बेचेंगे। इसी तरीके से यूरोप को होने वाली सभी औपनिवेशिक निर्यातों को पहले इंग्लैंड से होकर जाना पड़ता था, फिर यूरोप में वो पुनर्निर्यात किए जाते थे। तो उसमें क्या हो जाता था कि जो भी निर्यात होगा वो इंग्लैंड के थ्रू यूरोप में जाता था बाहर के उपनिवेशों से। इसी के अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारतीयों को घरेलू उद्योगों से खरीद करने में प्रतिबंधित किया गया था, और ब्रिटेन से ही नमक को आयात करने के लिए मजबूर किया गया था। तो ये भारत में भी हुआ कि भारतीयों को घरेलू उद्योगों से सामान खरीदने से मनाही कर दी गई, और ब्रिटेन से ही सामान बन के आ रहा है उसी को लेंगे आप। इसके विरोध में नमक कर विद्रोह भी हुआ था, जो दांडी विद्रोह हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये व्यापारीवाद के कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में फ्रांस था, वहाँ पे की सरकार ने अर्थव्यवस्था और श्रम बाज़ारों के बारे में सख्त नियमों के द्वारा एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी को बढ़ावा दिया था, ताकि वो जिस हिसाब से चलाना चाहे इकोनॉमी को उसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे। इसी तरीके से महामंदी जो आई 1930 वाली, उसमें अवसाद के बाद में जो संरक्षणवादी नीतियों का उदय हुआ और देशों ने आयात को कम करने का कोशिश करा और स्वर्ण मानक जो था गोल्ड स्टैंडर्ड उसको छोड़ करके मुद्रा के मूल्य को कम करने की नीति अपनाई। तो ये दोनों नीतियाँ किसका हिस्सा हैं? मर्केंटलिज्म का, कि आप अपने आयात कम करते हो और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए आपका मुद्रा का अवमूल्यन करते हो।
कुछ देशों ने चीन पर वणिकवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी औद्योगिक नीतियों के कारण औद्योगिक उत्पादन की अति आपूर्ति हुई है, साथ में मुद्रा का मूल्य भी उसके द्वारा कम किया गया है। तो उसने कहा कि सरकार ने क्या है, उद्योगों को रियायतें दी है, जिससे उनका उद्योग जो है सस्ती कीमत पर प्रोडक्ट उत्पादित कर पा रहा है और दूसरे देशों में उसका उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और उसकी वजह से मुद्रा का मूल्य उसने डिवेल्यूएशन करके कम किया है। वर्तमान में आधुनिक वणिकवाद या नव मर्केंटलिज्म, न्यू मर्केंटलिज्म के रूप में भी चीज़ें आ रही है मॉडर्न मर्केंटलिज्म में, तो वो वणिकवाद जो पुराना था उसका कुछ अपडेटेड फॉर्मेट है। उसके कुछ नीतियाँ जो हैं वो निम्नानुसार है। मुद्रा का अवमूल्यन, तो इसमें क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भंडारों को तेज़ी से खरीदा जाता है ताकि सरकार की एक नीति के तहत इसके क्या होता है कि देश की जो विनिमय दर है मुद्रा की वो कम रखने की कोशिश की जाती है और इससे हमारे निर्यात दूसरे देशों की तुलना में सस्ते हो जाते हैं और प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं और वो ज़्यादा खरीदे जाते हैं। तो ये निर्यातों को बढ़ावा देने का और आयातों को कम करने की एक पॉलिसी होती है, जिसके बारे में चीन का खासकर नाम लिया जाता है कि वो ऐसी पॉलिसी अपना रहा है। अनुचित लाभ के लिए एक उद्योग को सरकारी सब्सिडी, चीन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वो राज्य के रूप में एक उद्योगों को, अपने घरेलू उद्योगों को बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी देता है ताकि वो कम कीमत पर इस्पात और अन्य वस्तुएं बनाकर दूसरे देशों में तेज़ी से आपूर्ति करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी के आधार पर उत्पादित इस्पात जो होता है, स्टील होता है, वो दुनिया भर में दूसरे उद्योगों की तुलना में बहुत सस्ता रहता है। इसके अलावा संरक्षण अधिभावना का उछाल आया है। पिछले दिनों में जब देखें हम कुछ सालों को, कुछ दशकों को, तो उसने देखा है कि चीन के द्वारा खासकर जो चीज़ें निर्यात की जाती हैं उनके विरोध में बहुत सारे देश खड़े हो गए हैं और अमेरिका ने खासकर इसका विरोध किया है और अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर बहुत बड़ी मात्रा में टैरिफ लगाए हैं और उन्होंने अपनाया कि अब अमेरिकी सामान ही हमें खरीदना है। इसी तरीके से कॉपीराइट चोरी है, चीन के ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि वो दूसरे देशों के जो बौद्धिक इंस्ट्रूमेंट हैं, जो उनके संपदा हैं, उनको चोरी कर रहा है। अब हम चर्चा करते हैं वणिकवाद की कुछ आलोचनाएं हैं उनके बारे में। तो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस जो 1776 में उन्होंने लिखी, उसमें लिखते हैं कि मुक्त व्यापार के लाभ हैं और उसके जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उनको उन्होंने चर्चा करी और एकाधिकारों की जो अक्षमताएँ हैं उसकी आलोचना करी। इसके अलावा तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया। ये दोनों ही सिद्धांत हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, व्यापार के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये लेजिस फेयर पॉलिसी यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा वणिकवाद के ऊपर एक आरोप लगता है कि ये जीरो सम गेम होता है, शून्ययोग खेल है, जिसके अंदर क्या होता है कि जीरो सम गेम में दो खिलाड़ी होंगे तो एक को नुकसान होगा तो ही दूसरे को फ़ायदा होगा, वरना तो नहीं होगा। तो इस तरीके का जो दर्शन है या फिलोसॉफी है वो वैश्विक समस्याओं को कम करने में और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं है। इसमें एक को नुकसान पहुँचाया जाने की कोशिश में दूसरे का भी नुकसान हो जाता है। तो यदि हम वणिकवाद को इस खेल से बचते हैं तो इसमें क्या होगा, एक देश की संपत्ति बढ़ती है तो दूसरे देश को भी इससे लाभ होता है। जैसे कि एक देश संपन्न बनेगा तो वो दूसरे देशों के आयात करेगा और उससे दूसरे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी। तो ये वणिकवाद की आलोचना इसमें इस तरीके से होती है कि भाई ये एक दूसरे के विकास को सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा सरकारी नियमों में एकाधिकार से क्या होता है, वणिकवाद इन चीज़ों को बढ़ावा देता है लेकिन इससे अक्षमता और भ्रष्टाचार बढ़ता है, यानी कि करप्शन बढ़ेगा और इनएफिशिएंसी बढ़ती है गवर्नमेंट सिस्टम के ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से। इसके अलावा वणिकवाद देश को समृद्ध करने के लिए साम्राज्यवाद से साम्राज्य निर्माण और उपनिवेशों की गरीबी को उचित ठहराता है। वो क्या कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य या कॉलोनी या उपनिवेश बनाओ और उनसे उनके संसाधनों को कम कीमतों पर लेकर उन्हीं को भी वापस बना करके महंगे रेट पर बेचो, तो उससे वहाँ का शोषण, आर्थिक शोषण और गरीबी को ये उचित मानता है, जो कि गलत है नैतिक रूप से। इसके अलावा वणिकवाद प्रतिशोधात्मक नीतियों की ओर ले जाता है, टिट फॉर टैट की पॉलिसीज़ की तरफ जाता है। यदि हम किसी के इम्पोर्ट पर टैक्स लगाएंगे तो वो भी हमारे एक्सपोर्ट्स पर टैक्स लगाएगा और इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला है। इसके अलावा विश्व युद्ध के बाद की अवधि में वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार की वृद्धि ने बाजारों को खोलने और अन्य देशों को समान दर्जा देने की संभावनाओं को दिखाया है, तो ये आगे आगे हुआ है। इसके अलावा मुक्त व्यापार के तहत विशिष्टीकरण से पैमाने की विविधताएँ भी प्राप्त हुई हैं। तो क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड की वजह से देशों में आपसी संबंध अच्छे हुए हैं और सभी देशों को समानता की भावना मिली है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन भी बढ़ा है जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। अब कुछ मामलों में नव वणिकवाद या नव व्यापारीवाद जिसको हम कहते हैं, न्यू मर्केंटलिज्म को सही भी ठहराया जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियों में इसको सही माना गया है और मुक्त व्यापार प्रतिबंध लगाने की बात को सही ठहराया गया है। वो कुछ केसेज हैं जिनकी बात हम नीचे चर्चा कर रहे हैं। पहला है घरेलू सब्सिडी के जवाब में टैरिफ। इसका मानना है
कि जब मान लीजिए कोई देश द्वारा अपने इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है ताकि वो बहुत ही मिनिमम रेट पर वस्तुओं का उत्पादन कर सके, जैसा कि चीन के ऊपर ही आरोप लगता रहता है, और फिर वो उस सस्ते माल को दूसरे देशों में बेचेगा तो वहाँ की कंपनियाँ उतनी सस्ती रेट में बना नहीं पाएंगी क्योंकि उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए डोमेस्टिक उद्योगों को बाहर वाले सस्ते माल से कंपटीशन से बचाने के लिए बाहर वाले माल पर टैरिफ लगाया जाता है, और चीन के स्टील पर खासकर विश्व के द्वारा टैक्स लगाए जा रहे हैं, जैसे अमेरिका द्वारा 266% और यूरोप में टैरिफ 13% ही है। तो इस तरीके का टैरिफ घरेलू उद्योगों को बाहर के जो सब्सिडाइज प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अनुदानित प्रोडक्ट होते हैं, उनसे बचाने के लिए, कंपटीशन से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा डंपिंग के खिलाफ सुरक्षा, तो डंपिंग एक ऐसा केस होता है जिसमें कोई देश बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका है, औद्योगिकरण कर चुका है, और वहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत सस्ती रेट में बड़े पैमाने पर बनता है, तो उसके देश में जो खपत हो रही है उसके तो वो यूज कर ले रहा है, लेकिन दूसरे देश में उसका बचा हुआ जो माल है वो दूसरे देश में बिल्कुल कम कीमतों पर बेचने को तैयार रहता है ताकि वो माल निकल जाए। तो ऐसी स्थिति को डंपिंग कहा जाता है। उस डंपिंग को रोकने के लिए उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, ताकि घरेलू फर्मों को उससे बचाया जा सके उनके नुकसान से। तो चीन के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है, चीन के स्टील पर डंपिंग टैक्स लगता है, इसके अलावा कृषि उत्पादों पर भी डंपिंग टैक्स लगता है। इसके अलावा शिशु उद्योग तर्क भी है कि अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के इच्छुक देशों के लिए टैरिफ को नए उद्योगों की कोशिश करने विकसित करने के लिए उचित ठहराया जा सकता है। जब उद्योगों ने बड़े पैमाने की मित्रताओं को प्राप्त कर लिया है तो उस टाइम में टैरिफ और संरक्षणवाद को हटाया जा सकता है। तो यह है कि शिशु उद्योग जो प्राइमरी अवस्था में होते हैं, कुछ उद्योग अपनी शुरुआत में होते हैं, वो बाहरी कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी शुरुआती दौर में होते हैं तो वहाँ उनकी लागतें ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो विकसित होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो वो उन बाहरी कंपटीशन को फेस करने की कंडीशन में आ जाते हैं, उनको बड़े पैमाने की मित्रताएँ प्राप्त होने लग जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में टैरिफ और संरक्षणवाद को हटाया जा सकता है, लेकिन उनके इन्फेंसी टाइम में, यानी कि उनके बालपन में या शुरुआती दौर में उनको संरक्षण देने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार कुछ मुद्दों की स्थिति में हमें उनको संरक्षण देना सही माना जा सकता है। और इस प्रकार से ये वाणिज्यवाद की हमने चर्चा की। आगे वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाकी सिद्धांतों की, व्यापार के। धन्यवाद।